नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर नेपाल के निकलकर सामने आई है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। जी हाँ, जैसा कि नेपाल के कई एक्टिविस्ट भी इसको लेकर सड़कों पर उतर आए थे और ये एक लोकतांत्रिक देश के नजरिए से गलत भी था। भले ही कई लोग केपी शर्मा ओली के सपोर्टर्स भी हों, लेकिन देश के मामले में अगर जो चीजें गलत हैं वो एक गलत एग्जाम्पल सेट कर देती हैं और पूरी दुनिया में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती हैं। तो इसके चलते नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा कदम उठाते हुए नेपाल की डेमोक्रेसी को बचाते हुए केपी शर्मा ओली के संसद सत्र को भंग करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है, क्योंकि इस पर कई पिटीशंस और कई लोगों ने केस दायर किए थे। केपी शर्मा ओली ने पिछले साल 20 दिसंबर को संसद को भंग कर दिया था। ओली के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दाखिल की गई। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा ने फैसला सुनाया और संसद भंग करने को असंवैधानिक बताया। अदालत ने पीएम ओली को 13 दिन के भीतर प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन बुलाने का आदेश दिया है। संसद भंग किए जाने के बाद से सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीएम ओली के लिए झटका है। अब उन्हें संसद में बहुमत साबित करना होगा और उनके पास अभी बहुमत नहीं है, जिसके चलते ही उन्होंने संसद को भंग किया था। और ओली का ये फैसला मानो वैसा है जैसा कि बच्चों की क्रिकेट टीम में होता है, जिसका बैट होता है अगर वो आउट हो जाता है तो वो कहता है कि अब मैच नहीं होगा। तो वैसा ही कुछ फैसला केपी शर्मा ओली का था। अगर ओली बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली बनाम प्रचंड खेमे में बट गई है और पार्टी के सांसद भी बटे हुए हैं। ऐसे में ओली पीएम पद पर तभी बने रह सकते हैं जब वो संसद में बहुमत साबित कर पाएंगे, जैसा कि हाल में हमने म्यांमार में मिलिट्री शासन देखा था। तो ओली कहीं उस मिलिट्री शासन की तरफ ना बढ़े और सुप्रीम कोर्ट की बात माने, वही नेपाल की राजनीति के लिए भी अच्छा है और नेपाल के लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर ओली को लोग फिर से लाना चाहेंगे तो अगले इलेक्शन में ओली फिर से आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट अपने सही निर्णय के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।